हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। और मैं अपना नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, थ्री डी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से आपको सिखाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि हम आपको अगर कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आपको बेसिक से सिखाएंगे थ्री डी प्रोग्रामिंग। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए थ्री डी, ये देखिए फाइल, फाइल पे जाते हैं, न्यू पे प्रेस क्लिक करेंगे, देन प्रेस करेंगे पार्ट पे। जैसे मेरा फाइल फ्रंट पेज खुल के आ गया है। ये देखिए प्लेन दिया हुआ, प्लेन फर्स्ट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन, फ्रंट प्लेन एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, एक रेक्टेंगल सेंटर रेक्टेंगल ब्लॉक लेंगे, डायमेंशन पुट करेंगे, डायमेंशन पुट करने के बाद एक्सट्रूड करेंगे। अब जाते हैं फीचर कमांड, फीचर कमांड पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस करेंगे, यहाँ वैल्यू दिया हुआ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद क्लिक करेंगे, जिससे मेरा एक ब्लॉक बनके तैयार हो गया है। ब्लॉक पे टॉप फेस पर राइट क्लिक करेंगे, स्केच, नॉर्मल प्लेन, फिर से हम इस पर एक ब्लॉक क्रिएट करके कट करेंगे मटेरियल को, रेक्टेंगल कैविटी बनाएंगे। ये देखिए स्केच रेक्टेंगल ब्लॉक, देन पुट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन सॉलिड कैब में डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन की वैल्यू डालेंगे, वैल्यू मेरा डायमेंशन कंप्लीट हो गया। इसको हम फीचर कमांड पे जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट करेंगे, जिससे मेरा मटेरियल खाली हो जाएगा। एक्सट्रूडेड कट के बाद ये देखिए मेरा ब्लॉक रेडी हो गया है। अब हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते समय फाइल को आसानी से ढूंढ सकें। सेव एज पे क्लिक करेंगे, एक फाइल एक फोल्डर बना के रख दिया हमने जॉब। आप लोग भी अपने सिस्टम में एक फाइल बना के रखिएगा, ताकि आसानी से आपको फोल्डर मिल सके प्रोग्रामिंग करते समय। मेरे पास वेरियस टाइप ऑफ फोल्डर हैं, फोल्डर बनाने से आपको आसानी से फाइल मिल जाएगा। फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। मेरा ये ब्लॉक तैयार हो गया है, देखिए दोस्तों ये ब्लॉक तैयार हो गया है। अब हम इस ब्लॉक पे 3D प्रोग्रामिंग में सबसे 2D प्रोग्रामिंग करेंगे, 2D में फेस करेंगे स्टार्टिंग पर। 2D प्रोग्रामिंग में फेसिंग, ड्रिलिंग, पॉकेटिंग, वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं। न्यू यहाँ पे दो टाइप्स के आते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। क्लिक किया एक्सटर्नल पे, ये देखिए अब हम डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट। किसी भी मशीनिंग पार्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होता है। कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्लिक किया, कोऑर्डिनेट पे डिफिनीशन ऑप्शन सेलेक्ट फेस, डिफाइन सेलेक्ट कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम
फेस को सिलेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ये कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गया है। किसी भी पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गया। अब हम स्टॉक को डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट, स्टॉक और टारगेट, किसी भी पार्ट को मशीनिंग करने के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट हो गया, टारगेट। अब हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक ये सबसे पहले एक्स वाई ज़ीरो कर देते हैं, ताकि जो प्रोग्रामिंग करते समय कोई चीज़ टूलिंग, इसको ज़ीरो करेंगे। एक्स वाई ज़ीरो, प्लस माइनस ज़ीरो, जेड को ज़ीरो करेंगे। स्टॉक ज़ीरो कर देंगे सिलेक्ट करके। ओके, अब हमारा तीनों पार्ट ओके हो गया, कोऑर्डिनेट, स्टॉक एंड टारगेट। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन से। फेस ऑपरेशन पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड मिलिंग ऑपरेशन। इसमें वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन, 2D, 3D, बट हम लोग को 2D ऑपरेशन करना है। सबसे स्टार्टिंग में फेस, प्रोफाइल, कंटूर, पॉकेट, ड्रिलिंग, मल्टीपल डेप्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं फेस। मटेरियल फेसिंग करना है, टॉप सरफेस। अब प्रोग्राम खोलने के बाद ज्योमेट्री पे आते हैं, डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डिफाइन। डिफाइन पे सिलेक्ट करके ओके करते हैं। हमारा ज्योमेट्री डिफाइन हो गया। अब हम टूल सेलेक्ट करते हैं। किसी भी पार्ट को, मटेरियल को रिमूव करने के लिए टूल की आवश्यकता होती है। टूल को सेलेक्ट करते हैं, ये प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ टूल्स, एंड मिल, बुल नोज, बॉल नोज, फेस मिल, टेपर, टेपर बॉल। हमको फेसिंग करना है, फेस मिल सेलेक्ट करते हैं। ये आ गया टूल डायमीटर। जिस टाइप का टूल रिक्वायर होगा उसी टाइप को टूल सेलेक्ट करेंगे, डायमीटर 50 का। फोर फ्लूइड सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ फोर फ्लूइड्स। ओके, टूल सेलेक्ट हो गया। लेबल डिफाइन करते हैं, टॉप, अपर लेबल, फेस अप डेप्थ, डेप्थ अप कट। अपर लेबल बॉडी को टच किया, फेस अप डेप्थ, कितना मटेरियल रिमूव करना है वो सिलेक्ट करते हैं। इक्वल डेप्थ ऑफ कट, हमको 0.5 कट करना है तो हम दो पार्ट्स में कट कर सकते हैं, 0.25 का कट दे के, 0.5 का कट दे दिया। इसमें आते हैं हैचिंग, कंटूर, वन पास, स्पाइरल। तो हम सेलेक्ट करते हैं कंटूर। कंटूर में स्टार्ट होता है सेंटर पार्ट से। इसमें हम लीड इन लीड आउट में सबसे पहले इसको नन कर देते हैं। मोशन कंट्रोल, मैस्कुलिनियस पैरामीटर, इन सब पैरामीटर को टूल में आते हैं। डेटा, कूलेंट, टूल चेंज, पोजीशन। डेटा में फीड RPM फिट डाल देते हैं, ताकि जितना रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से हम फीड RPM डालते हैं। जैसे मशीनिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हमारा मशीन हो सके। सेव एज एंड कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरा प्रोग्राम बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम राइट क्लिक करके सिमुलेट करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम करते समय अगर प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया है तो उसको हम सिमुलेट करके ज़रूर चेक करते हैं, ताकि हमारा कहीं कोई एक्सीडेंट पार्ट तो नहीं हो रहा है। देखिए प्रोग्राम सिमुलेट ओके है। अब स्पीड को, सिमुलेशन स्पीड कम और मीडियम करके देख सकते हैं। फेसिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये देखिए मशीनिंग पार्ट, ऐसे करते हैं मशीनिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, तो ताकि हम अगला वीडियो आपको डाल सकें।
प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक्स नॉलेज देंगे आपको। ये मशीनिंग है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मशीनिंग कंट्रोल पैनल भी आपको हम सिखाएंगे। ये फैगर 8085i सीरीज का पैनल है, इस पैनल के बारे में आपको ज़रूर जानकारी देंगे। ये देखिए हमारा बनाया हुआ प्रोग्राम चल रहा है मशीनिंग में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट ब्लॉक है मेरा, इस ब्लॉक के साथ नए वीडियो डालेंगे। आपको नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे।